उनसे बात करते हैं। देखिए कई लड़कियां हैं जो यहां कॉलेज से निकली हैं, महिलाएं हैं यहां पर मौजूद, हम सीधे उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप अभी कॉलेज से पढ़ के आ रही हैं, ये बताइए कि अभी एक सर्वे आया है जिसमें ये कहा गया है कि क्या शादी और विवाह का जो उम्र है उसका कानून एक होना चाहिए, गोद लेने का कानून एक होना चाहिए, किस तरह से आप देखते हैं? आप किस तरह से सोचते हैं, क्या शादी का उम्र 21 होना चाहिए? यस, 21 शादी का, लड़कियों का उम्र 21 होना चाहिए। क्यों? आज के समय के अनुसार, समय के परिपक्व देखते हुए 21 ही होना चाहिए। क्या शादी का उम्र 21 होना चाहिए? बिल्कुल। क्यों? आज के हालात और समय को देखते हुए और परिपक्वता जो होती है मानसिकता, उसको मैच्योरनेस में इसकी इंक्रीजमेंट होनी चाहिए। और ये सही है कि गवर्नमेंट सही डिसीजन ले रही है, अप्रिशिएट इट। क्या विवाह, तलाक और गोद लेने का कानून देश भर में एक होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्यों आप मानती हैं? बिकॉज एक तरह के एक साइड के लॉ होने के साथ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज में डिफरेंट डिफरेंट तरह की इश्यूज आती है। अगर हर कम्युनिटी के लिए डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, उनका सलूशन भी डिफरेंट होगा। और अभी हम देख रहे हैं कि हर तरह की कम्युनिटी अलग अलग प्रॉब्लम लेके आ रही है, अलग अलग तरह का सलूशन होती है, अलग अलग लॉज बने होते हैं। अगर हमारा लॉ एक हो जाता है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वुड बी ईजी। सो आई थिंक दैट एक लॉ होना इम्पॉर्टेंट। जी, कुछ और लड़कियां यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या शादी का उम्र 21 साल कानूनी रूप से होना चाहिए, किस तरह से आप देखती हैं? किसी और से पूछिए। क्या शादी का उम्र 21 साल होना चाहिए? क्या नहीं, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने के लिए भी हम लोग को टाइम मिलना चाहिए, हम लोग को आगे के एजुकेशन के लिए टाइम मिलना चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, कुछ और लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सोचती हैं ये लोग। ये बताइए कि क्या शादी का उम्र 21 साल होना चाहिए कानूनी रूप से? हाँ, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए ना लोगों को, इसलिए वुमेन को पढ़ना चाहिए। क्या क्या गोद लेना, ठीक है, तलाक और विवाह के लिए कानून एक होना चाहिए? चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, पटना के लोग क्या सोचते हैं ये हमने दर्शकों को दिखाया, बने रहिए हमारे साथ। अनुपमा जहां भी जुड़ी हुई है, अनुपमा के पास चलते हैं। अनुपमा, जहां पर आप मौजूद हैं, वहां महिलाओं से जरा आप पूछिए कि क्या देश में शादी, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के अधिकार, इस सब पर क्या एक समान कानून होना चाहिए, क्या वो समर्थन करती है उसका? अनुपमा, बिल्कुल अवीना, देखिए फिलहाल जो है मैं राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ, जिसे दिलवाली कहा जाता है। और आप ऐसे में समझिए कि दिल्ली का दिल जिसे कहा जाता है, कनॉट प्लेस में मैं फिलहाल मौजूद हूँ। और जिस बात का मुद्दे के बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि देखिए आखिर क्या शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, इस पर महिलाओं की क्या राय है, क्या आखिर सारे भारतीयों के लिए जो है तलाक, शादी या अडॉप्टेशन का जो है एक ही तरीके का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं जरूर समझने की कोशिश करूंगी। कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ से गुजर रही है, क्योंकि क्या हो जाता है जब आप दिल्ली की जनता की बात करते हैं तो दिल्ली की जनता को समझना जरूर हो जाता है। कुछ लोग, मैं एक बार समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर यहाँ पर जो है क्या कुछ कह रहा है। मैम एक सेकंड मैं आपका लूंगी, मुझे बताइए कि ये कहा जा रहा है कि अब शादी की उम्र जो है वो 21 साल की होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, क्या आप इस बात का समर्थन करती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 21 में तो मैच्योरिटी आती नहीं, और आप कह रहे हैं कि 21 से भी ज्यादा होनी चाहिए, 21 से भी ज्यादा होनी चाहिए। क्या तलाक और शादी और एडॉप्टेशन क्या सबके लिए जो है पूरे देश के लिए एक ही तरह का कानून होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। कुछ और महिलाएं मौजूद हैं। आंटी, मैं आपसे एक और एक सवाल समझना चाह रही हूँ कि क्या पुरुष और महिलाओं की उम्र शादी के लिए 21 साल होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए? मैडम, जब तक बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो जाता, या अपने पैरों में खड़े होने चाहिए, शादी की उम्र बस अपने पैरों में खड़े होने के बाद होनी चाहिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए चाहे तलाक हो, शादी हो, हमने देखा कि अलग अलग धर्म में जो है अलग अलग तरीके के जो है रूल है, तो क्या आप मानती हैं कि पूरे देश के लिए जो है एक ही तरीके का कानून होना चाहिए? शादी के लिए अलग कानून होना चाहिए, क्या कहते हैं, पूरे देश के लिए क्या एक कानून होना चाहिए, धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए? नहीं, धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए, पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए। आंटी जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है, क्या आप ये मानती हैं कि 21 साल की जो उम्र है वो पुरुष और महिलाओं के लिए शादी के लिए पूरी तरीके से ठीक है? बेटा,
जमाना के अनुसार तो ठीक है। क्यों ना, जब जो आगे माए लड़कियां पढ़ना चाहती है, कुछ अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है, तो उसके लिए ठीक नहीं है। और जो नहीं पढ़ना चाहती है, जो आयुष घूमना चाहती है, उसके लिए जायज है। ठीक है, मैं एक सेकंड आप रुकेगा, क्योंकि आप बहुत यंग है। मुझे ये बताइए कि इस बारे में डिस्कशन हो रहा है कि क्या शादी की उम्र जो है लड़कियों की 21 साल होनी चाहिए और लड़कों की भी सेम, क्या 21 साल होनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब तुम इक्वालिटी करते हो तो इस चीज में इक्वालिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? सेम सही बात है। जब गर्ल्स की 20, बॉयज की 21 है तो गर्ल्स की भी होनी चाहिए। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पूरे देश में, क्योंकि अलग अलग धर्म में हमने देखा है कि अलग अलग कानून है, चाहे तलाक को लेकर बात करें, शादी को लेकर बात करें, या बच्चा गोद को लेकर बात करें, तो क्या पूरे देश में एक तरह का कानून होना चाहिए इन सभी चीजों को लेकर? हाँ, यूजीसी इसलिए शायद पास हो रहा है, मैं तो उसकी फुल सपोर्ट में हूं। आप उसकी फुल सपोर्ट में? तो देखिये, कुछ इसी तरीके के लोग हैं। मैं आगे भी, अगर क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देखिए बारिश का मौसम है, क्योंकि हर जगह जो है फिलहाल बारिश हो रही है, राजधानी दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट जारी है, लेकिन कुछ लोग जो है वो यहाँ पर लगातार मौजूद है। मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की जो है कोशिश करूंगी। मैम एक सेकंड, मैं आपका एक सेकंड लूंगी, बस एक सेकंड लूंगी, मुझे बस ये बताइए। तो देखिए लवीना, जिस बारे में मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि आखिर किस तरीके से जो है लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, हम यूजीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 साल की उम्र जो है वो सही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे तलाक के लिए कानून की बात की जाए, शादी के लिए बात की जाए, बच्चा गोद लेने के लिए बात की जाए, सबके लिए जो है एक तरह का कानून होना चाहिए। और यही मकसद भी है, अलग अलग तरह की राय पूरे देश भर से जिस तरह से आ रही है। सीधे मुंबई चलते हैं, श्रेया यहाँ पर मौजूद है। श्रेया, किस तरह की राय लोगों की है इस सबसे बड़े सर्वे के बाद, किस तरह से अपनी राय जाहिर कर रहे हैं लोग? देखिए, इस वक्त हम मुंबई में मौजूद हैं और मुंबई की महिलाओं से कुछ सवाल जानना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं और पुरुष की शादी की उम्र 21 साल क्या होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? हाँ, आपसे जानना चाहेंगे क्या महिलाओं और पुरुष की शादी की एज 21 साल होनी चाहिए? क्योंकि अभी महिलाओं की 18 साल है, तो क्या 21 होनी चाहिए उनकी भी एज शादी के लिए? हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि शादी की उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ पुरुष भी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि महिलाओं और पुरुष की शादी की उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए? क्यों? मतलब 21 साल से लड़कों के हिसाब से। जी, लड़कियों की 18 है, अभी 21 बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है, उसका समर्थन करते हैं आप? यस यस जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो इस चीज का समर्थन करते हैं। आंटी, आपकी एक मिनट लेना चाहूंगी। आप लोग से जानना चाहेंगे क्या महिलाओं और पुरुष की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? 21 साल में बालिग हो जाते हैं ना? बालिग हो जाते, तो 21 साल से आप सहमत हैं? आपसे जानना चाहेंगे क्या महिलाओं और पुरुष की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए? 21 से ठीक है मैम। 21 क्यों ठीक है? क्योंकि महिलाओं की पहले 18 थी, अब 21 बालिग हो जाते तो फिर उसमें कुछ नहीं कह सकते ना। जी, और यूसीसी को क्या आप समर्थन करते हैं? यूसीसी का जी। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा, शादी की उम्र क्या महिलाओं और पुरुष के लिए 21 साल होनी चाहिए? जी, क्यों होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? मैच्योरिटी। तो ज्यादातर लोगों का कहना यही है कि महिलाओं और पुरुष की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी भी तक महिलाओं में आ जाती है। लेकिन श्रेया, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ शादी का जिक्र नहीं है, और भी कई सारी ऐसी चीजें जो समाज को जोड़ती हैं, समाज का मुख्य अंग है। एक बार फिर से मैं पटना का रुख कर रही हूं, चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, सिर्फ शादी नहीं, तलाक, इसके अलावा संपत्ति, गोद लेना, ये तमाम ऐसी चीजें जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा बनाया गया है। अब जरा जो लोग आपके वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए कि एक परिवार के लिए अलग अलग कानून होने चाहिए क्या? भारत एक परिवार है, क्या इसका समर्थन करते हैं कि सबके लिए एक कानून हो? चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो जवाब देने से भाग रहे हैं। ये बताइए कि क्या देश में कानून एक होना चाहिए, चाहे वो विवाह का हो, तलाक का हो, या फिर गोद लेने का हो? ये कानून तो हर धर्म के हिसाब से, जैसे अभी कानून तीन तलाक का भी हुआ है, तो उसके धर्म के हिसाब से हुआ है। अगर सारे कानून एक कर दे, फिर हिंदू का कानून या मुस्लिम का कानून अलग हो एक हो जाता है, तो वैसा तो हमको नहीं लगता। कानून धर्म के हिसाब से ही होना चाहिए। देखिए, कुछ लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या विवाह, तलाक और जो गोद लेने की कानून है वो एक होना चाहिए? आप लोग क्या सोचती हैं? पता नहीं जी, आप क्या सोचती हैं? जी चंद्रमोहन, और ये लगातार अपनी अपनी राय दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन सर्वे में किस तरीके से और सवालों के जवाब मिले हैं,
तमाम सवालों के जवाब 6 बजे आप तक पहुंचाएंगे हम न्यूज 18 इंडिया पर।